Hello. Thank you so much. Thank you. Is on? Hello. Thank you so much, guys. Thank you. बैठ जाओ यार सब लोग. हम सब भी हरे. यार मैं काफी काफी डरा हुआ हूं इस रिस्पॉन्स से. चल रहा है ना माइक? चल रहा है ना? हेलो चेक. यार मैं काफी डरा हुआ हूं इस रिस्पॉन्स से. ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा रिस्पॉन्स होगा. और अभी इस वक्त मैं काफी ब्लेस्ड और लकी फील कर रहा हूं. मैंने सच में नहीं सोचा था कि 3 साल बाद मैं वहां से यहां पहुंच जाऊंगा. क्योंकि ना मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ना मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं कुछ कर रहा हूं, ना मैं एक इंजीनियर हूं. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से वापस से ऐसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट में यहां पे खड़ा होऊंगा. तो थैंक यू सो मच. तो आप thank you so much for the response, guys. Speech, Naveen. मेरे कुछ दोस्त रहते हैं यूएस में. ओके. वो कहते हैं जब वहां पे किसी को स्टार्टअप शुरू करना होता है तो उससे सबसे पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट. और यहां व्हाट तो बहुत दूर की बात है. लोग पूछते हैं Why entrepreneurship? I think we are facing a similar challenge today. Nobody is willing to listen to our what. So let me talk about the why. Why entrepreneurship? शायद अपने ऑफिस में अपने वेलविशर बॉस से परेशान हो गया था, या फिर सोशल नेटवर्क और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख के कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया था, या फिर हमेशा से रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है. मैं एक्चुअली बड़ा नर्वस हूं अभी. अच्छा आप लोगों ने डू यू रिमेंबर 90s में चिप्स के पैकेट आते थे जिसमें एक टाजोज हुआ करते थे, गोल सी शाइनी सी डिस्क थी जिसमें आपका कार्टून ड्रॉ ही होते थे. यू नो आई यूज टू बी क्रेजी अबाउट दोस टाजोज. ऑल आई एवर वॉन्टेड वॉज हंड्रेड्स ऑफ टाजोज जिनसे मैं अपनी जैम की खाली शीशी भर सकता था. बट उस समय मेरी पॉकेट मनी इतनी होती थी कि मैं हफ्ते में एक ही चिप्स का पैकेट खरीद पाता था. और मेरे दोस्तों के पास जहां 25-30 हो गए थे, मेरे पास सिर्फ 5 ही थे. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मैं ट्रिवियल सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, बट उस समय एक 10 साल के लड़के के लिए इट वॉज अ ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम एंड इट नीडेड टू बी सॉल्व. लाइफ क्राइसिस? ओके. नो, आई सेड ह्यूज लाइफ प्रॉब्लम. अच्छा, इट वॉज अ क्राइसिस, आई डोंट रिमेंबर दैट. एनीवेज, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. एक दिन मैंने घर बैठ के अपने सारे टाजोस को ना कॉइन से घिस घिस के सफेद कर दिया.
अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो वहां पे खबर फैल गई कि नवीन के पास एक स्पेशल किस्म के टाजोज हैं, ब्लैंक टाजोज. एंड सडनली एवरीबडी वॉन्टेड देम. लोग अपने 5, 10, 20 टाजोज एक्सचेंज करने को रेडी थे जस्ट टू गेट दैट वन स्पेशल टाजो. उसके कुछ टाइम बाद मैं फिर से दुकान पे गया, बट चिप्स का पैकेट खरीदने नहीं, जैम की एक नई शीशी खरीदने. यार मैंने यहां के जो अच्छा ठीक है, मैंने यहां पूछा यार शौर्य से कि यार मुझे और हम लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, मतलब हम लोग तो उसने बोला कि किस क्या. गुंडे नहीं है गुंडे नहीं है एंटरप्रेन्योर से भैनचोद. तो मैंने शौर्य से पूछा यार हम लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस आप अपना बता देना कि आपने कैसे आईआईटी मतलब कैसे इंजीनियर से आप एक्टर बने. तो मतलब मुझे मैंने ये कुछ प्लान तो कुछ किया नहीं था कि कैसे मतलब मुझे एक्टर बनना है या कुछ, बट उससे पहले तो मैं आप सबकी तरह एक लड़का था जिसने जेई के लिए तैयारी की होगी कोटा में या कहीं अपने किसी इंस्टीट्यूट में, मतलब जेई का जो, तो उसी तरह से मैंने तैयार किया. मैंने मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस तरह से एक्टिंग करूंगा और मतलब ये सब हो पाएगा, ये सब लोग ऐसे बैठे होंगे और मैं यहाँ खड़ा होऊंगा. तो ये सब जो मेरी लाइफ का गेम चेंज हुआ है ये आईआईटी में हुआ है, और वो आईआईटी में इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे आईआईटी की पढ़ाई शायद समझ में नहीं आई. और शायद पर हाँ बिट्स वालों ने लिया नहीं, मुझे आईआईटी ने ले लिया, तो इसलिए. तो वहां बेसिकली सबसे ज्यादा जो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि मैंने जो अपना जेई दिया था वो हिंदी मीडियम में दिया था, और जैसे ही आईआईटी में घुसा तो सडनली वहां से बस इंग्लिश के कुछ वर्ड्स मेरी तरफ फेंके जा रहे थे. ठीक है, अंधेरे भरा कुछ कमरा था, यहाँ पे प्रॉफ खड़ा था और उसने धड़ाधड़ मारना शुरू किया इंग्लिश. तो वहीं से मैंने ट्राई किया एक महीना दो महीना कि मैं कुछ कर पाऊं, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ. तो ऐसे ही मैं रोबोटिक्स आपने सुना होगा, तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे शुरू में फ्रेशर्स के लिए, तो रोबोटिक्स का कुछ इंटरव्यू था उसके लिए मैं गया. वहां उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी हॉबी क्या क्या है, तो हॉबी में मैंने पता नहीं कैसे उनको बोला कि मैं मिमिक्री करता था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो मैंने बोल दिया हॉबी में कि मैं मिमिक्री करता हूं. तो वहां पे रोबोटिक्स का इंटरव्यू चल रहा था बहुत सारे लोगों का, और मैंने करना शुरू किया मिमिक्री. तो सब लोग सारे लोग इकट्ठे हो गए उधर पहुंच गए. उन्होंने बोला कि एक यहाँ पे एक ड्रामा क्लब होता है तो वहां पे तुम पक्के से जाना. तो मैं वहां गया और तो मेरे दोस्त मुझे जबरदस्ती खींच के ले गए कि चल चल चल. और वहां पे बहुत मतलब बहुत ही डरावना सा माहौल था, 5-10 सीनियर यहां खड़े हुए थे और सबका ऑडिशन ले रहे थे, मतलब वो ऑडिशन नहीं कुछ और ही चल रहा था. तो इन सब की तो आदत है नहीं मुझे, मैं वैसे ही मतलब स्टेज फियर है मुझे, तो मैं बहुत मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा. तो वहां पे मेरा एक दोस्त था लफाड़ी सा कुछ, ठीक है, जिसने आईआईटी में जाके सबसे पहले कोई ऐसा दोस्त होता है जो सबसे पहले सुट्टा मारना शुरू करता है, सबसे पहले दारू मारना शुरू करता है. तो उसने मुझे तो उसने बोला कि यार तू नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूं. तो वो उठा और उसने कुछ तो बहुत सही सा किया, तो मुझे लगा कि यार इसने कर दिया तो एक बार ट्राई तो कर लेता हूं. तो मैं उठा और उन्होंने कहा कि अमिताभ के स्टाइल में कुछ करो. तो अरे भाई देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पापा भाई सुनिए, अरे भाई देखिए ऐसा ही मैंने कुछ किया उधर. तो अगले दिन लिस्ट लगी, मैं था सोसाइटी में, हो गया मेरा. अब आदमी ना मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट 3-4 साल ड्रामा किया. मैं भी चाहता था कि मैं एक जॉब करूं अच्छी सी,
21 साल में 22 साल में मैं शादी कर लूं, मैं एक छोटे से गांव से हूं जहां पे 22 साल में लोग शादी कर लेते हैं, तो मुझे लगा था कि मेरी लाइफ भी एक नॉर्मल आदमी की तरह होगी और 22 साल में मैं भी 21 साल में निकल के कॉलेज से 22 साल में शादी कर लूंगा। हाँ तो वो तो देखते देखते प्लेसमेंट शुरू हो गए और सब लोग तैयारी कर रहे थे और मैं ऐसे ही घूम रहा था। लोग मुझे बोलते थे जीतूदा कुछ कर लो यार, आप ऐसे ही घूमते रहते हो, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है जॉब के लिए। तो कुछ नहीं, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए प्लेसमेंट्स के, कुछ कहीं अपना शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। 7वें 8वें दिन एक कंपनी आई, वो मैं सिविल से हूँ तो सिविल की कोई कंपनी थी, उसने शॉर्टलिस्ट किया और उसने एक जीडी रखा और वहां जाके पता चला कि वो जीडी नहीं है, कुछ जीआई है, ग्रुप इंटरव्यू करके कोई नई चीज उन्होंने बनाई और 10-12 लोगों को एक टेबल पे बिठा दिया, कॉन्फ्रेंस टेबल पे, और उन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि मतलब टेल अस, कुछ अपने बारे में बताओ इंटरेस्टिंग, कि क्या करना चाहते हो, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो कुछ लोगों ने वही शुरू किया, फॉर्मल इंटरव्यू शुरू किए और फिर वो लोग थोड़ा बोर हो गए, बोलते कि यार ये नहीं सुनना हमें, फॉर्मल सा नहीं सुनना, जो तुमने किया है वो हमें पता है कि तुम IIT से हो, तुम इनफ इंटेलिजेंट हो गए, तुमने काफ़ी 4 साल अपने डिपार्टमेंट में गुजारे हैं तो तुम्हें चीज़ें आती होंगी, ये हमें पता है, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। तो मुझे लगा अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग बताना है इन्हें। तो आया मेरा नंबर और तो वही इंग्लिश तो आती नहीं थी मुझे, तो वही हिंदी में मैंने शुरू किया कि हेलो सर, हेलो मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैं इधर से हूं और मैं एक्टर बनना चाहता हूं और मैं 10 साल बाद अपने आप को बॉलीवुड में कहीं कुछ देखना चाहता हूं। और वहां पे मतलब एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और एक थोड़ी देर बाद दोस्तों की हंसी आना शुरू हुई कि ये क्या बोल रहा है यार, ये खिसक गया है क्या एकदम यार, ठीक है। तो उनमें से एक मतलब कुछ 50 साल के कुछ एक अंकल लग रहे थे, वो भी काफी इंजॉय कर रहे थे जो मैं बोल रहा था, ठीक है, उन्होंने काफी इंजॉय किया। तो उन्होंने बुलाया मुझे, इंटरव्यू खत्म हुआ तो उन्होंने बुलाया कि यार वो कौन था उसको एक बार भेजो मेरे पास। तो उसने बेटा बोला कि बेटा आप एक्टर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन यार मैं भी अमिताभ बच्चन का ना मैं बैचमेट हूँ, मैं उनके साथ स्कूल में था, लेकिन यार अमिताभ बच्चन की हाइट थी यार, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, तो तुम कैसे, तुम बेटा मत सोचो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें इंजीनियर बनने के लिए बोला है, इस तरह की बातें मत किया करो इंटरव्यूज में, अच्छा नहीं लगता। तो मैं काफ़ी नर्वस हो गया, मेरी जॉब ही नहीं लगी, मार्च निकल गया, सब लोग प्लेस हो चुके हैं, मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। तो विश्वपति सरकार आप जानते होंगे, जो राइटर हैं पिक्चर्स के, परमानेंट रूममेट्स के, पूरा क्यूटियापा उन्होंने, काफ़ी मेन राइटर हैं हमारे, हाँ अर्नब प्ले करते हैं वो, तो वो मेरे सीनियर थे, उनके साथ मैंने कुछ प्लेस किए थे, मतलब 3-4 प्लेस किए थे और वहाँ पे एक फुल लेंथ फिल्म शूट की थी जो कभी रिलीज़ नहीं हुई और ना मतलब उसका रिलीज होने का कोई चांस ही नहीं था, वो इतनी बुरी बनी थी। तो वो उन्होंने कुछ, वो अरुणाब से मिले यहाँ पे आके जो योगी प्ले करते हैं पिक्चर्स में, तो उनसे आके मिले, वो यहाँ वो ओम शांति ओम में उन्होंने AD किया था, मतलब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे AD उसमें ओम शांति ओम में, तो उन्हें थोड़ा बहुत चीज़ें पता थी मुंबई में कि कैसे क्या हो रहा है और वो कुछ करना चाह रहे थे कि कुछ स्टोरीज हम बनाएं, तो उन्होंने एक इंजीनियर्स डायरी करके एक शो लिखा जो MTV ने रिजेक्ट किया उस टाइम पे। तो उसी टाइम पे विश्वपति सरकार इंटर्न के लिए आते थे 3rd ईयर में, तो जब मैं 3rd ईयर में था तो विश्व ने एक बार बुलाया कि आजा हम लोग कुछ शूट करेंगे और तुझे सोच रहे हैं कि तुझे लीड में कुछ करके कुछ बनाते हैं और IIT में शूट करेंगे, IIT पवई में शूट करेंगे। फिर मैं पहुंचा, मैं इंटर्न करके आया था थाईलैंड से, तो वहां मैं पहुंचा नहीं थोड़ी बहुत सिविल इंजीनियरिंग आती है तो इसलिए तो मुझे वहां बुलाया और वहाँ कुछ परमिशन ही नहीं मिली और मुझे वापस भेज दिया गया 3-4 दिन बाद के वेट के बाद कि नहीं होगा भाई। तो मेरा वहाँ से और ऑफ हो गया कि यार कुछ होना जाना है नहीं, बॉस छोड़ दे सब, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली जॉब ही नहीं लगी तो विश्व ने बोला कि आजा मुंबई आजा, कुछ करते हैं, द वायरल फीवर करके कुछ है, कुछ तो हम करेंगे यूट्यूब पे ऑनलाइन कुछ करेंगे, आजा। तो तभी एक वीडियो आया था राउडीज जो कि बहुत बड़ा वायरल हुआ था, नथिंग थे उसमें, ठीक है। वो भी विश्वपति सरकार ने ही लिखा था। हाँ वो हमने कॉलेज से लिखा था, हम IIT से मतलब विश्व ने लिखा था वो और मुझे मतलब पढ़ाया था कि ऐसा था कुछ लिख रहे हैं।
तो मुझे लगा कि क्या कौन सा स्पेस है, क्यों है और किस तरह की चीज है यार, हम तो यहाँ पे सखाराम बाइंडर करते हैं यार और हम तो यहाँ सीरियस प्ले करते हैं और ये किस तरह का जोन है। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, सब लोगों को पसंद आया। तो फिर फाइनली मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा जॉब नहीं लगी, पर एक TVF करके कोई एक मीडिया फर्म है जो मुझे जॉब दे रहा है और मुझे कुछ 20,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं वहां जा रहा हूं। तो पापा का वही रिएक्शन था जो पिक्चर्स में मेरे पापा का रिएक्शन था, एग्जैक्टली सेम। पर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई कर ले, अब तेरी जॉब नहीं लगी तो मैं क्या ही करूं यार, तू इतना नालायक निकला, तेरी जॉब नहीं लगी तो तू कर कुछ तो कर। तो गया मैं वहां पे, मैंने कुछ एक दो वीडियो शूट किए और एक दो वीडियो वो ऐसे शूट किए कि लोगों को लगा कि क्या कर रहा है, ये तो एक्टिंग तो नहीं है यार, ये किस तरह की चीज है। वहां पे सब लोग एकदम सोच में पड़ गए, जब हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। मैंने शूट किया पहला वीडियो, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है वो। तो वो जब शूट किया तो लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं है, पता नहीं किस स्पेस में है और बहुत अजीब सा एक्टर है यार, इसको उठा के ले आए। फिर वो रिलीज कर दिया कि चलो ठीक है, और उसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, उतना अच्छा नहीं था जितना राउडीज का रिस्पॉन्स था, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद एक वीडियो बनाया मुन्ना जज्बाती, तो वो जब बन के आया तो वापस से हमने रिव्यू करने के लिए कुछ फिल्मी जनता, कुछ बॉलीवुड के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि ये क्या है यार ये क्या करना चाह रहे हो तुम इससे। तो फिर भाई, और वो अरुणाब ने बोला कि इसको रिलीज नहीं करेंगे। जब उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि रिलीज नहीं करेंगे और मतलब ये क्या है यार। और फिर मैं छोड़ के भाग गया। मैंने बैंगलोर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ज्वाइन कर ली और मैं एक सिविल इंजीनियर का काम कर रहा था उधर। फिर वो कई अक्टूबर नवंबर में वो निकला मुन्ना जज्बाती, और मतलब वो काफी, उसको फिर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर बिस्सो ने कॉल किया कि अरे आजा, वापस आजा कि ये तो हिट हो गया यार, और मतलब कश्यप सर के ऑफिस से फोन आ रहा है कि ये एक्टर कौन है और इसको लेते हैं। आज तक मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आजा आजा, और मैं वापस फिर मैंने सोचा कि यार अब जॉब कैसे छोड़ी जाए। तो मैंने घर वालों को बोला कि एक NSG नाम की जगह है, वहां मैं, वो स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है, वहां पे पढ़ाई होती है, वहां पे मैं जाना चाहता हूँ। और मैंने उसके लिए फॉर्म वॉर्म लगा दिया और मैंने बड़े दिल से उसकी तैयारी की, और वहां से मैं रिजेक्ट हो गया। तो पापा का जो रिएक्शन था, तो पापा काफी सपोर्ट तो कर रहे थे कि चल ठीक है स्कूल है तो चले जा, मतलब पढ़ाई हो रही है तो ठीक है। लेकिन उन्होंने, जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं काफी दुखी बैठा था उस दिन, तो पूरे दिन, और मैं बता नहीं रहा था कि मैं वहां से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था अब कैसे भेजेंगे, अब तो मना ही कर देंगे यार ये लोग। फिर वो पापा आए, पापा ने बोला कि क्या हुआ भाई, क्या रहा रिजल्ट तुम्हारा? तो मैंने कहा कि नहीं हुआ NSG में। पापा का थोड़ा खुशी आई, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन। तो उनको ज्यादा खुशी हुई कि चलो नहीं हुआ अब तो। फिर अगले दिन पूछा 3 दिन बाद कि कहाँ जाएगा, क्या करने वाला है, कौन सी जॉब लेगा? तो मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। अरे फिर वही बात आई, मुंबई जाके क्या करोगे तुम, मुंबई नहीं जाना है, करना क्या है मुंबई जाके? तो वही 3 दिन तक नाराज रहे, मैं भी नाराज रहा। फिर फाइनली उन्होंने बोला, मेरे भाई के थ्रू मेरे भाई को बुलाया और उनको कहा कि इसको बोल कि ड्रग्स ना करें वहाँ जाके, और ये सब लोग ये सब करते हैं, बस इसको बोल कि ड्रग्स ना करें और चला जाए यार। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ड्रग्स नहीं करूँगा और मैं चला जाता। फिर मैं वापस मुंबई आया, मैंने वापस से काफ़ी, फिर मतलब फिर तो उसके बाद तो आपको पता ही है, 3 साल का काम आपके सामने है ऑनलाइन thevirallever.com पे। तो ये थी मेरी कहानी। आपको कुछ सवाल पूछने आप पूछ सकते हो। अर्नब जी हम कौन है, हम इस देश की थकी हारी दबी कुचली आम जनता है, हम क्या चाहते हैं इस देश के फिल्म मेकर से, कि एक अच्छी कहानी हो, दो बातें दिल को छूके चल जाए, ये बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं लोग, यही तो स्कैम है। इसकी जांच कौन करेगा, कौन करेगा इसकी जांच? अरे हम सब बेयर है बहनचोद, बोला तो
अच्छा मैंने भी इंजीनियरिंग ही करी है. I'm from a college called NSIT. It's in Delhi. मैं इन सब की तरह IIT से नहीं हूँ. जीतू बिस्सू अर्नाब एंड मैं जब कॉलेज में था मैं प्लेस करता था बट ऑब्वियसली लाइक एवरीबडी एल्स आई हैड प्लान्स टू वर्क एज एन इंजीनियर. जो भी मतलब नॉट एज एन इंजीनियर बट जॉब लेके जॉब ही करने वाला था मैं. बट मैंने जब जॉब ज्वाइन करी मैंने भी अपने फादर को बोला कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मैं मुझे नहीं मजा आता है. आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड इंडक्टिव्स. आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज हर्ड अबाउट इट. इट्स इन गुड़गांव. इट वॉज वो फिर EXL एनालिटिक्स ने खरीद लिया था. तो मुझको भी आई टुक सम टाइम इन कन्विंसिंग देम क्योंकि मैं किसी को भी नहीं, आई डोंट नो एनीबडी इन बॉम्बे और मैं बस यहाँ के कुछ यहाँ जॉब करना चाहता था ताकि किसी से मिलूं कुछ करूं. आई हैड नो कनेक्शन. आई डिडंट इवन हैव एनी फ्रेंड और अ रिलेटिव इन मुंबई. दिस इज 2008. देन आई टुक अप अ जॉब हियर. आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड JPMorgan Chase. तो उस मैं आया मैंने 3 महीने नौकरी करी. फिर मैं एक्टर बनने के लिए नहीं आया था. आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस टू बी एन एक्टर. लाइक कॉलेज में हम लोग जब प्लेस बनाते हैं तो हम ही बनाते हैं और हम ही एक्ट भी करते हैं. बट यहाँ पे शायद एक्टिंग की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी और मैं इतना नहीं था कॉन्फिडेंट कि मैं लोगों को बोलूंगा कि मुझको एक्टिंग करनी है. तो आई थॉट आई वुड मेक माई ओन फिल्म एंड देन आई विल एक्ट इन देम. दिस इज वॉट माई प्लान वॉज. सो आई स्टार्टेड गोइंग टू रैंडम ऑफिसेस. मैंने कहीं से नंबर जुगाड़े. मैं फ़ोन करके फिर प्रोडक्शन हाउस में गया. मैं विरू विनोद चोपड़ा के ऑफिस गया. मैं धर्मा प्रोडक्शंस गया. वहाँ पे मुझे एंट्री भी नहीं मिली. फिर मैं आमिर खान के ऑफिस गया. मैं आशुतोष गवारिकर के ऑफिस गया. कुछ भी नहीं हुआ ऑब्वियसली. फिर मैं ऐसी विशेष फिल्म्स के ऑफिस गया और वहां से भी मुझको भगा रहे थे. उन्होंने कहा कि हाँ जैसे आई वॉज एक्टिंग लाइक अ टिपिकल स्ट्रगलर. यू नो मुंह उठा के आ जाते हैं. यू हैव नो कनेक्शन. यू डोंट नो एनीबडी. एंड समबडी हैड टोल्ड मी दैट यू गो इनसाइड द ऑफिस. यू टेल देम यू वांट टू मीट समबडी फ्रॉम द डायरेक्शन डिपार्टमेंट. तो बस यही लाइन मैं यूज कर रहा था कि मैं किसी डायरेक्शन डिपार्टमेंट से मिलना चाहता हूँ. विशेष फिल्म से भी मुझे भगा रहे थे जो महेश भट्ट का है. बट समहाउ उनसे फिर बातचीत हुई. उन्होंने मुझसे और पूछा. I told them that I'm working with JPMorgan Chase. I think they got impressed with it. तो मैंने उनको बोला I don't need money. I just want to get into films. And फिर शायद वो फिल्म स्टार्ट कर रहे थे. शायद मैं लकी था. Somehow मैंने वो फिल्म ज्वाइन कर ली और मैं बहुत ज़्यादा खुश था. मुझे लग रहा था कि फिल्म्स में घुसना बहुत मुश्किल होगा. But suddenly I was working as an assistant director with Mr. Bhatt. And I was really happy. Those were not the kind of films I wanted to do. मैं बहुत दिबाकर बैनर्जी का फैन था जब मैं मुंबई आया था. मैं खोसला का घोसला देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया था. तो फिर आई फिनिश दैट फिल्म. देन आई वर्क आई ट्राई टू वर्क विद मिस्टर दिबाकर बैनर्जी. मैंने उनके ऑफिस के चक्कर काटे. आई वर्क एज एन असिस्टेंट ऑन लव सेक्स और धोखा. देन आई वर्क ऑन शंघाई एज एन AD. एंड मीन वाइल आई रोट अ स्क्रिप्ट बिकॉज मेरा इरादा था कि मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा. मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था उस वक्त और मैंने एक फिल्म लिखी और मैं वो पिच कर रहा था सबको. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सर बट आई मेट यू एंड यू हैव रेड माय स्क्रिप्ट एंड यू ऑल्सो लाइक्ड इट. आई वाज इन दिल्ली. यू कॉल्ड मी. मैं आपसे स्पेशली आपके मिला था. आपका मोबाइल नंबर नहीं है. आपका मेल के थ्रू वी वर इन टच. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट बट दिस इज 2010. बट नथिंग हैपन टू दैट स्क्रिप्ट. लाइक लॉट ऑफ पीपल रेड इट. दे लाइक्ड इट बट नथिंग हैपन्ड. फिर मैं स्टार्टेड वर्किंग एज एन AD अगेन ऑन सम अदर फिल्म. Meanwhile, मैं अरुणाब से मिला था. I had no idea who he was. I read his interview in a paper and he was about to start his own film. And he was from IIT. He was an engineer. तो मुझे लगा मैं ऐसी contact करता हूँ और मैं उनको assist करता हूँ उनकी film पे. तो that's how I got to know अरुणाब. मैंने कहीं से उनका contact निकाला. अरुणाब is the same guy who did Yogi in the show. You would know him. और फिर अरुणाब और मैं टच में थे. फिर इसी दौरान LSD में मेरे एक कुलीग थे जो मेकिंग बना रहे थे. उनका नाम है अमित मासूरकर. ही वॉज डायरेक्टिंग अ फिल्म एंड इट्स कॉल्ड सुलेमानी कीड़ा. एंड वी यूज टू हैंग आउट. लाइक हम लोग साथ में बहुत घूमते फिरते थे. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट टू राइटर्स एंड ही वॉज प्लानिंग टू कास्ट हिज ओन फ्रेंड्स इन द फिल्म हु वर एक्चुअली राइटर्स. आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज कंसिडर्ड अ राइटर एट दैट पॉइंट. सो तो उन्होंने मुझको सुलेमानी कीड़ा लेके बनाई. उसी दौरान अरुणाब ने ये शो एक यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाया जिसका नाम है राउडीज एंड सुलेमानी कीड़ा. दे हैपेंड एट द सेम टाइम एंड राउडीज का रिस्पांस वाज लाइक वाज सुपर्ब. एंड सडनली पोस्ट राउडीज एंड सुलेमानी कीड़ा आई बिकेम एन एक्टर.
So yeah, that's I'm not very regular with the viral fever. I'm glad they made a show called Pictures. So Pictures ka idea actually pichle ek saal se chal raha tha. And Biswapati Sarkar, who eventually became my roommate, and we were living together for the last 2 years, we broke up. I mean, we didn't break up, but ab uski girlfriend aa gayi hai, to maine alag ghar le liya hai. So hum log pichle 1.5 saal se ye show plan kar rahe hain Pictures, aur usne mujhe bataya tha this is the concept, and I've been pushing these guys to take me because I was really excited about the idea. Or I'm glad it happened. Meanwhile, meri koi film bhi ho rahi thi, to dates ke issues ho rahe the. But the show also got pushed because of the sponsors, and then it happened in April and I was available. And we could manage to do it. And I'm so happy that show has done so well. Thank you so much. You have any questions for me? जीतू को क्या दूं? बैट क्या दूं? बैट बैट मैं कहां से दूं यार यहां बैट से क्या करवाना है बैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट पिक्चर्स यू कैन आस्क सीजन 2 यार अभी नेक्स्ट ईयर आएगा अभी 2-3 नए शोज आएंगे और पीआर 2 परमानेंट रूममेट्स 2 आएगा इस साल आएगा नेक्स्ट ईयर जरूर आएगा यार वो पिक्चर्स का टू आइडिया यार वो अभी हमें भी नहीं बताया गया एक्टर्स को नहीं बताया गया पिक्चर्स 2 का राइटर्स नहीं पिक्चर्स 2 का मुझको आइडिया है आपको बता दो पिक्चर्स 2 थोड़ा सा ज्यादा फिल्मी होगा उसमें नवीन जो है वो थोड़ा सा बुरा आदमी बन जाएगा वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो जाएगा वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ घूमेगा मतलब एक्चुअली बिस्सू का इरादा है कि वो कुछ वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसा होगा दिस इज व्हाट ही इज प्लानिंग ऐसा इंडियन स्टार्टअप्स में भी होता है बहुत क्या श्रेया गई 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 सीजन 2 में कोई नहीं आएगी Hey guys, how big is the TVF team? Sorry? How big is the TVF team? Is it a small team doing multiple roles? It's around abhi 60 se 70 log hain yaar team mein. 20 se 22 ke aaspaas writers hain. Ek social media team hai aur kuch technical team hai, editors hain, cinematographers hain, 5 cinematographers hain, musician hain. This is the core team. This doesn't include actors. 50 log core team hai. Matlab actors hain. Aur baki kafi sare actors hum log jante hain jinko unko leke aate hain to अराउंड 100-150 के आसपास हम लोग होंगे यार जो भी आप करना चाहते हो वो आपको अपना काम मतलब हमें भेजना होगा दैट्स इट हम लोग देखेंगे और उस पर जज करेगी हमारी टीम कि वो काम कैसा है तो सेम प्रोसेस हेलो सर क्या सर यार सर या गो अहेड What was the point of showing that Shreya left you in the end? It could have been a happy ending. Why you showed that she left you? Why it should be a happy ending, yaar? I think I'll tell you. I believe it's very relatable because a lot of breakups have happened because of these things, long distance things. And Bissu really wanted to capture it. Biswapati Sarkar, who has been in a long distance relationship himself. हालांकि उसका चल रहा है अभी भी तो हाँ उसको लग रहा था लोग रिलेट करेंगे इंटरेस्टिंग होगा तो और नवीन की लाइफ में वो कुछ बहुत मेजर लॉस दिखाना चाहता था दिस इज व्हाट हिज इंटेंशन वाज आई डोंट नो इफ इट वर्क्ड लाइक जीतू वाज सेइंग इन द मॉर्निंग दैट इट डिडंट रियली वर्क द रिलेशनशिप थिंग मतलब वहां पूरे पिक्चर्स में ज्यादा चीजें जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो ज्यादा वर्क किए रादर देन की रिलेशनशिप्स कैसे हैं लोगों के वो उतना I have read it somewhere that during the last the scene she was picking up pickle bottles and she was standing in a child section. No, that's a random observation. I don't think Biswapati Sarkar has any of that. I also read that on Quora pe tha na.
Hello, sir. YouTube चैनल स्टार्ट किया है जीरो बजट फिल्म बोल के, उसका पहला वीडियो आ जाया है, वो टीवीएफ पिक्चर सीजन एपिसोड 1 का स्पूफ है। हम चाहते तो ऑडियो में दिखाएं बट दिखा नहीं पा रहे, ये तो ऐसे मैंने प्रमोशन के लिए बोल दिया, इसका कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ जीतू भाई एक बार वो कन्विंस वाला डायलॉग बोल दो यार प्लीज। कन्विंस या कन्विंस करो तुझे, मैं कन्विंस करो, रुक करता हूँ कन्विंस। नहीं यार योगी, ये इस मादर चो तो कन्विंस करूं अभी साला, पहले मैं अपनी बीवी को कन्विंस करूं, फिर अपनी फैमिली को कन्विंस करूं, अब ये माँ का लोड़ा ये चाह रहा है मैं इसको कन्विंस करूं। बहन का लोड़ा 17 साल का है, इसकी माँ की चूक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाय, आई वांटेड टू आस्क व्हाट हैपेंड टू दैट पेन ड्राइव व्हिच वाज टेकन इन द बार। आई थिंक मंडल ब्रॉट इट बैक, ही वेंट टू बैंगलोर, ही फॉट विद रस्तोगी एंड देन ही गॉट इट बैक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अदर। सो मच फॉर द क्वेश्चंस एंड या thank you so much guys।